श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद आजम मट्टू ने आज से कई दिन पहले 4 अक्टूबर 2022 को अपने ट्विटर पर ट्वीट करके श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन को लेकर ट्वीट किया था और ये कहा था कि लाखों रुपया इलेक्ट्रॉनिकली बैंक खातों में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक चुने हुए नुमाइंदे के बैंक खाते में पिछले 2 साल में जमा किया गया है, लगभग 1.4 करोड़ रुपया है और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस जो है लाखों रुपए की इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हुई हैं और 1.4 करोड़ के करीब करीब जमा हुआ है। उसके बाद उन्हें ट्वीट करके ये कहा था कि बहुत सारे विटनेसेस सामने आए हैं जिन्होंने एक्सटॉर्शन और करप्शन की संगीन इल्जाम लगाए हैं। ये भी कहा था कि 3 श्रीनगर शहर के शहरी हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाए हैं। उन्होंने ये क्लेम किया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्राइम ब्रांच और श्रीनगर पुलिस ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी इस मामले को लाया गया है और इस बात की भी उनसे गुजारिश की गई है कि ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं इनको फौरन इनकी पोजीशन से हटाया जाए तब तक जब तक कि इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो पड़ताल इनके खिलाफ चल रही है वो खत्म नहीं होती है तब तक इन्हें इनके पद से हटाया जाए। ये एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे इन्होंने ये भी कहा कि कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने बहुत सारे ऐसे विटनेस आए हैं, श्रीनगर पुलिस के ऑफिसरों के सामने और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने भी पिछले 2 हफ्तों में बहुत सारे ऐसे गवाह आए हैं जिन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से उनसे पैसा लिया गया, किस तरीके से उनसे रिश्वत ली गई। और ये भी कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मांगी गई हैं वो तमाम जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी गई हैं। और ये भी कहा गया कि इससे पहले एक सिम्बियोटिक इकोसिस्टम था जो करप्शन, बेईमानी, एक्सटॉर्शन पर चलता था और उसमें चुने हुए कुछ नुमाइंदे जो है वो इन्वॉल्व थे और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरीके वो इस इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज करप्शन के ऊपर नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा। ये जुनेद आजम मट्टू ने उस दिन भी कहा था। उसके बाद आगे ये भी कहा था कि ये एक बार फिर मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ साफ और सुथरे तरीके से कि वो तमाम लोग जो इस स्कैम को मुझे दबाने के लिए मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को डिसॉल्व करूंगा, नए चुनाव करवाऊंगा, लेकिन करप्शन और एक्सटॉर्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यह आज से लगभग 5 दिन पहले जुनेद आजम मट्टू ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था। उसके बाद आज जुनेद आजम मट्टू के इस ट्वीट के ऊपर शेख इमरान जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी में रह चुके हैं, शेख इमरान ने आज ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आज ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इनोसेंट लोगों को और डकैतों को उन्होंने अपॉइंट किया है और साधारण लोगों को उन्होंने जेल किया है। उन्होंने ये कहा कि एक सिगरेट ट्रक और जनरेटर थीफ जिसके खिलाफ FIR 2829 अंडर सेक्शन 420, 408, 471 क्राइम ब्रांच कश्मीर में लगी हुई है, उसे एक इंपॉर्टेंट पद पे बिठाया गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने बाजाबता को स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि पैसा जो है क्रेडिट डेबिट हुआ है, 2-3 क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन्स भी उन्होंने बताई हैं और उन ट्रांजेक्शन्स के जरिए वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि पैसा डिपॉजिट किया गया। उसके अलावा उन्होंने एक CDR भी जो है वो भी शेयर किया है कि कितना कितना पैसा जो है वो डिपॉजिट हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी एजेंसीज जो हैं, तमाम एजेंसीज उन्हें वो जवाब दे हैं क्योंकि ये तमाम जितने भी सबूत हैं ये उन्हें भेजे गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजा गया है, जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा गया है, आनंद कुमार 9876 उन्हें भेजा गया है, उन्हें ये तमाम चीज़ें भेजी गई हैं। तो कहा ये पूछा ये जा रहा है कि आखिरकार ये तमाम लोग अभी भी बाहर क्यों हैं, ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये वाटर टाइट ओपन एंड शट केस है और इस मामले में फौरन जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत सारे फोटोज शेयर किए गए हैं, उसके अलावा ट्वीट पे ट्वीट पिछले 8-10 घंटे में जो है शेख इमरान करे जा रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं
कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बेजाब्तगियां हो रही हैं। इसी चीज़ की बात जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद आजम मट्टू ने भी की, लेकिन सवाल यह कि एंटी करप्शन ब्यूरो आखिरकार इस मामले में खामोश क्यों है। एंटी करप्शन ब्यूरो अक्सर आप देखते हैं कि जब भी कहीं कोई ऐसा मामला बनता है तो फौरन FIR लॉन्च करता है और उसकी डिटेल जो है वो मीडिया के साथ शेयर की जाती है। अगर यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने किसी मामले का संज्ञान लिया है तो अभी तक मीडिया के साथ डिटेल्स शेयर क्यों नहीं की गई हैं? अगर वाकई कोई मामला बना है, मामला बहुत गंभीर है और आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो वाकई कोई जांच कर रहा है, श्रीनगर पुलिस कोई जांच कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच कोई जांच कर रही है, तो उसे मीडिया के साथ साझा किया जाना चाहिए था। और अगर जांच नहीं हो रही है तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि दो इंपॉर्टेंट आदमी, एक तो जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और दूसरे पूर्व डिप्टी मेयर, ये दोनों इतने गंभीर आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं, इन दोनों के इन गंभीर आरोपों के जवाब में हैरानगी इस बात की है कि अभी तक श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना एंटी करप्शन ब्यूरो ये बता रहा है कि अगर वाकई ये सबूत हैं कि वो जम्मू कश्मीर बैंक की ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर बैंक की ट्रांजैक्शंस के साथ में बाज़ाब्ता उनका एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया हुआ है, तो इसके अलावा और किस सबूत की जरूरत एंटी करप्शन ब्यूरो को है ताकि कम से कम वो प्रिलिमिनरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन तो करे, पड़ताल तो करे कि इतने गंभीर आरोप जो लगाए गए हैं क्या ये तथ्यों पर आधारित हैं या ये सारे के सारे आरोप जो हैं तथ्यहीन हैं। ये तभी हो पाएगा जब एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में पड़ताल करेगा। लेकिन सवाल ये कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक चुना हुआ नुमाइंदा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का करप्शन में, नेपोटिज्म में, बेईमानी और चोरी में इन्वॉल्व है, तो फिर उस मेंबर के खिलाफ, उस श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुने हुए नुमाइंदे के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? इससे पहले हमने देखा था कि अवंतीपुरा में एक इसी तरह के चुने हुए नुमाइंदे के खिलाफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है अपने पद से हटाया था। अब देखना यह होगा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में क्या हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसी तरह की कोई कार्रवाई करेगा, या इस मामले में जो चुप्पी अभी तक डिपार्टमेंट विभाग ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने साधी हुई है, चुप्पी इसी तरीके से साधी रहेंगे, या ये शेख इमरान और जुनेद आजम मट्टू जो कुछ अपने ट्विटर हैंडल पर कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है और सियासत के चलते एक दूसरे के साथ जो सियासी तौर पर उनकी दंगल है वो उस दंगल का नतीजा है कि वो एक दूसरे के ऊपर ये इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप तथ्यों के आधार पर हैं तो फिर एंटी करप्शन ब्यूरो को, जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच को और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस मामले में फौरन कार्रवाई करनी चाहिए।